आज की स्टूडियो में एक और नई लोन एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे आज जो है कि एप्लीकेशन का हम रिव्यू भी करेंगे, साथ में इसमें हम लोन अप्लाई भी करके आपको दिखाऊंगा और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो बने रहना इस वीडियो में, आपके लिए बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। आप जो कि पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस लोन एप्लीकेशन के बारे में बहुत खास बात है जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। चलो जो कि एप्लीकेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। 4.6 रेटिंग का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि रेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी 4.5 आपको जो रेटिंग देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर जो देखोगे डाउनलोड, तो डाउनलोड में आपको यहाँ पर 50,000 डाउनलोड इसके अभी अभी आए हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत नई एप्लीकेशन है। मैं आपको जो है कि यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन का लिंक तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि लोन एप्लीकेशन का लिंक अभी नहीं। आप जो है कि इसका कैसे निकालना है इसको प्ले स्टोर से, वो आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो गूगल पे जाना है, क्रेडिट गो असेसमेंट आपको सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगी। अगर आप जो है कि प्ले स्टोर पर सर्च करोगे डायरेक्टली तो आपको ये मिलने से ना रही, तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर नहीं सर्च करना, आपको गूगल पे सर्च करना, देन आप प्ले स्टोर पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे 5.5 MB की ये साइज ओनली इसकी। हम एप्लीकेशन में अबाउट दिस एप्लीकेशन में आए तो यहाँ पर आपको जो है कि हेल्प एसेस यूजर्स पर्सनल क्रेडिट स्कोर आपको जो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो कि फंक्शन एंड फीचर इनके देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो है फ्री क्रेडिट स्कोर असेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये लोन भी आपको प्रोवाइड करती है। इसमें आपको जो है यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी दी गई है, तो यहाँ पर जो भी आपका डाटा है यहाँ पर अपलोड होगा वो सारा का सारा इंक्रिप्टेड रहेगा। बट चलो जो है एप्लीकेशन को ओपन भी करते हैं और यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ वेबसाइट वर्किंग है या फिर क्या नहीं। सिंपली हम जो कि वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, वेबसाइट पर आप जैसे क्लिक करोगे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट कोई वर्किंग नहीं है, एरर यहाँ पर आपको शोर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि वेबसाइट तो चलो उन्होंने ऐसे ही बना के छोड़ दिया उसको, बस यहाँ पर ऐड करना था। यहाँ पर मैं आपको जो है कि इसमें आपको ईमेल वगैरह भी देखने को मिल जाता है अगर आप जो कि कॉन्टेक्ट करना चाहें। बाकी वीडियो को पूरा वॉच करना है, तो बहुत खास मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप जो है कि यहाँ पर ये फेक वगैरह निकली है तो कैसे आपको बाहर निकलना है, आपका आपने अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको फिल कर दिया है तो आपको क्या करना है वो भी आपको मैं बताऊँगा, बने रहना इस वीडियो में। यहाँ पर आप जो देखोगे रिलीज डेट, रिलीज डेट की बात करें तो अभी अभी रिलीज हुई है 13 सेप्टेम्बर को, ठीक है। 13 सेप्टेम्बर को रिलीज हुई है और 27 तारीख को यहाँ पर अपडेट की गई थी उन्होंने, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और जो रेटिंग की बात करें तो रेटिंग यहाँ पर जो 4.6 रेटिंग जो इनकी ने ले रखी है, सारी की सारी परचेस की रेटिंग है, तो आप जो कि इन पे मत जाना, ये सारी की सारी फेक है और डाउनलोड भी यहाँ पर आसानी से फेक मिल जाते हैं। चलो जो कि यहाँ पर अबाउट दिस एप्लीकेशन और भी देखें तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर इसके NBFC का नाम नहीं देखने को मिल रहा, ना ही लोन की डिटेल्स आपको जो कि बाकी देखने को मिलती है। चलो जो कि ये हो चुका, ठीक है भाई, हम फिर भी यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि देखेंगे कि आप लोन हमें दोगे कि नहीं दोगे। उससे पहले आपको मैं जो कि थोड़ा और नीचे जाता हूँ, और नीचे जाने के बाद मैं आपको जो कि यहाँ पर दिखा दे रहा है ऑफर बाय, यहाँ पर किसके द्वारा, एरेगिया एरियागा और पता नहीं क्या क्या नाम है इनका, नॉर्मा पेट्री का। तो यहाँ पर आपको जो है कि नीचे की साइड में ऐप परमिशन का देखने को मिल रहा है, तो परमिशन का आपको यहाँ पर देखोगे तो सिम और पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सिम और पर क्लिक करोगे तो परमिशन की बात करें तो दोस्तों आपका एक तरह से पूरा का पूरा फ़ोन वो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको मैं जो है कि इसमें अगर ये फेक निकली तो इसको कैसे लूटना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर आप जो है कि कैमरा का देखने को मिल रहा है, तो टेक ए पिक्चर एंड वीडियोज़ का आपको जो कि यहाँ पर परमिशन लेंगे, वो लोकेशन की ऐप से परमिशन लेंगे, वो कॉल लॉक्स की आपकी परमिशन लेंगे, आप किसको कॉल कर रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो, कब कॉल कर रहे हो, सारी की सारी उनके पास में इंफॉर्मेशन, टेलीकॉम की सारी इंफॉर्मेशन कि ये उनकी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर उससे पता चल जाएगा। SMS की परमिशन, यहाँ पर किसको मैसेज कर रहे हो, कौन सा मैसेज आ रहा है, MMS आ रहा है क्या, वो सब कुछ यहाँ पर आपसे एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अदर के नाम पर वो आपसे कितना कुछ ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग ID परमिशन आपसे ले रहे हैं, आप क्या देख रहे हो वो भी उनको पता चल जाएगा, मोबाइल में क्या चला रहे हो दिन भर वो उनको पता चल जाएगा, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट वाईफाई, आप जो कि किसका वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो वो भी उनको पता चल जाएगा, एंड फुल नेटवर्क एक्सेस, उनके पास में फुल नेटवर्क का एक्सेस भी पता चल जाएगा, अगर वो चाहे तो आपका नेटवर्क का एक्सेस वहीं से बंद कर दे, आप नेट ही नहीं चला पाएँ इतना आपसे वो कर लेंगे, और हो सके तो वहीं से आपके फ़ोन को चला सके, ठीक है, ये भी वो कर सकते इतने परमिशन में। व्यू नेटवर्क कनेक्शन, उसके बाद में यहाँ पर प्ले स्टोर में कौन कौन सी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, उनकी रेफर ID वगैरह सब कुछ उनके पास में पहुँच जाएगी, अगर वो चाहे तो आपका फ़ोन पे गूगल पे वगैरह सब कुछ लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में रेफर API ID पहुँच जाती है।
देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस एड सर्विस एट्रीब्यूट एपीआई, यहाँ पर जो है कि वो एपीआई ले लेते हैं, तो एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यार एड सर्विस वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। व्यू वाईफाई कनेक्शन और पेयर विद ब्लूटूथ, आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको जो है कि यहाँ पर सारा परमिशन देना होगा। अभी हो चुका, यहाँ पर नीचे लिखा रहा है यू कैन डिसेबल एक्सेस योर दिस परमिशन इन सेटिंग अपडेट टू गो क्रेडिट, गो क्रेडिट असेसमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड एंड क्रेडिट कैपेबिलिटी विद इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पर आप जो है कि बाद में इसको रिमूव कर सकते हो सेटिंग में जाके, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा अगर आप जो कमेंट में पूछोगे तो। चलो जो कि एप्लीकेशन को अब जो कि हम इंस्टॉल करते हैं और इसमें अप्लाई करके देखते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार का आता है। यहाँ पर आपको जो है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। तो अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना 91 जो कि इंडिया का कोड है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। देन इस पर आपको क्लिक करना है, एक OTP आपके पास में आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। OTP फिल करने के बाद में आप जो कि सक्सेसफुल इसमें लॉगिन हो जाओगे। तो जैसे आप लॉगिन होगे आपके साथ में जो सामने जो है कि इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जो कि होम पेज का ये। यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो कि आपके लिए देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में। प्रोफेशनल, सेफ और कन्वीनियंट का, और जो नॉलेज सेंटर और क्वेरी रिक्वेस्ट, ये क्वेट किए क्योंकि खाली ना लगे उनकी एप्लीकेशन में, बस ऐसे फालतू चीज़ उन्होंने ऐड कर दी है। ठीक है, अब जो कि यहाँ पर ऊपर जो हमारे काम की चीज़ है वो है स्टार्ट असेसमेंट। स्टार्ट असेसमेंट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोन की प्रोसेस आपके पहुँच जाएगी। तो चलो जो है कि हम स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट बुक का यहाँ पर जो कि यूजेज इंट्रक्शन यहाँ पर बता रखा है, तो आप जो कि इसको पढ़ सकते हैं। और डाटा प्राइवेट का वो बता रहे हैं, बट वो खुद ही उसको प्राइवेट तरीके से आपके लिए यूज़ करेंगे। चलो जो कि यहाँ पर कुछ परमिशन है और भी यहाँ पर आपसे पूछेंगे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी डालनी है डिटेल्स, बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, एज जैसे ETC एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको जो है कि डालना है, जो कि रिस्क असेसमेंट है रिस्क पर, तो आप जो है कि यहाँ पर एग्री रहे तभी आप डालना। एड्रेस बुक डाटा यहाँ पर आपको डालना होगा, आपका एड्रेस वगैरह का सब कुछ जो कि यहाँ पर। सोशल रिलेशनशिप नंबर जो कि डालना रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह। और उसके बाद में यहाँ पर आपको SMS डाटा यहाँ पर देना है। उसके बाद में आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन डाटा यानी कि आधार पैन कार्ड वगैरह आपको देना होगा। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको देना रहेगा। और यहाँ पर ये सारी प्रोसेस आप कर दोगे देन आपको जो कि यहाँ पर इंक्वायरी से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो जो काम स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी पर। जैसे आप इंक्वायरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कि आ जाता है सेल्फी का, तो सेल्फी अपलोड सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी का इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप कोई मास्क ना पहने, कोई भी केप ना लगा के रखें, ठीक है, यानी कि हेड्स। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि कोई डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, और आप जो है कि यहाँ पर डोंट एक्सपोज यूअर बॉडी, आपको जो है कि आपको बॉडी को पूरा नहीं बताना है, ओनली फेस बताना है। तो यहाँ पर आपको जो है कि स्टार्ट डिटेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक सेल्फी आपको अपलोड कर देना है। चलो जो कि सेल्फी अपलोड करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएंगे थर्ड और फोर्थ स्टेप का आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो है कि यहाँ पर आपका पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड का यहाँ पर डालना होगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आपको जो है कि यहाँ पर जो देख रहा है देखने को मिल रहा है कैमरा का सेक्शन, सिंपली आपको कैमरा के सेक्शन पर क्लिक करके आपका पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फुल नेम और आपका पैन कार्ड नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करके आपको जो है कि यहाँ पर नेक्स्ट आप आओगे। तो नेक्स्ट में आपको जो कि यहाँ पर आधार KYC वगैरह करनी रहेगी। आधार KYC करने के बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना, अप्रूवल यहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसको आप जो कि एक्सेप्ट करोगे तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बट यहाँ पर दोस्तों अब बात आती है कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ दोस्तों ये एप्लीकेशन बिल्कुल तरीके से फेक है। ये आपका जो है कि यहाँ पर ओनली डाटा कलेक्ट कर रही है, ये आपको जो है कि यहाँ पर कोई भी लोन ऐसा प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, अगर इसको लूटना चाहते हो आप तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है कि इसका यूज़ करना है। आपको सबसे पहले कोई दूसरा फ़ोन लेना है, कोई पुराना फ़ोन, ठीक है, वो पुराना फ़ोन ले लिया आपने, उसमें आपको जो है कि यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो आपको जो है कि यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट आपको फेक बनाने है उसमें कम से कम 300। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर 40 से 50 फ़ोटो आपको जो कि फेक आपको जो कि वहाँ पर डालने होंगे, किसी एक पर्सन के आप जो कि डाल लेना या फिर यहीं से आप जो कि कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें आपको जो है कि यहाँ पर आधार और पैन कार्ड को भी आप जो है कि यहाँ पर एडिट कर लेना। आधार और पैन कार्ड आप जो है कि एडिट करके यहाँ पर डालोगे तो डायरेक्टली वो आपको जो है कि यहाँ पर लोन अप्रूव कर देंगे। किस बेस पर लोन अप्रूव करेंगे वो आपके बेस आपके जो
आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उसके बेस पर आपको अप्रूव करेंगे, ना कि इनके बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कि सारा आपने अप्रूव कर दिया, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट आप जो है कि यहाँ पर गूगल पर कोई भी फेक बैंक अकाउंट ओपन कर लेना, बहुत सारे रहते हैं, अगर नहीं पता आप तो जो है कि कमेंट में मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। उसको आप लेके बैंक अकाउंट में आप जो कि वहाँ पे आ जाएगा आपका पैसा, वहाँ से आप जो कि बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये तरीका रहता है ऐसी 7 डेज लोन एप्लीकेशन या चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन को ठगने का। तो आप जो कि यहाँ पर इसमें कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हो तो आप ऐसा कुछ भी मत करना, आप जो है कि डायरेक्टली इसमें अप्लाई मत करना बस, और ये इस एप्लीकेशन दूर रहिए। ऐसी ही एप्लीकेशन आपको दूर रहना है, जो कि हमारे चैनल पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपको दूर लेना है। उसके लिए आपको जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो यहाँ पर आपने सब कुछ कर लिया, देन आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपको यहाँ पर जो है कि कभी भी उनको रीपेमेंट नहीं करना, अगर आपने जो है कि उनको रीपेमेंट कर दिया तो आपके और ज़्यादा वो मांगेंगे आपसे, तो उनको रीपेमेंट नहीं करना। आपको उनको जो है ब्लॉक कर देना है, ट्रूकॉलर गोल्ड आपको मोबाइल पे के इंस्टॉल कर लेना है, उससे आपको जो है कि यहाँ पर कोई भी स्पैम कॉल को वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो उसको जो है कि आपको इंस्टॉल करके उसमें इनेबल कर लेना है, तो ये सारी प्रोसेस आपको कर लेना है। बाकी लोन एप्लीकेशन पूरी तरह से फेक है, सारा का सारा ही इन्फॉर्मेशन फेक बता रही है, कोई भी NBFC के साथ में काम नहीं कर रही है। तो बस इतना इस वीडियो में, मिलता है किसी और अनदर वीडियो में। इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसका मैं जो है कि आपको आई बटन में ऐड कर दूंगा, उसमें कैसे ये हरेसमेंट करती है, कैसे आपको बचना है इससे, सारा तरीका मैंने उसमें बताया है। तो बस इतना ही, इस वीडियो में मिलता है हम किसी और अंदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।